हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया के स्वाद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी स्नैक की रेसिपी, जो है रिबन मठरी, जिसे हम बनाएंगे बिना किसी मैदा के और बिना कॉर्नफ्लोर के। तो उसके लिए मैं लूँगी एक बड़ी परात में 750 ग्राम गेहूं का आटा, जिसमें मैं डालूँगी नमक स्वादानुसार, एक बड़ा चम्मच अजवाइन और एक छोटा चम्मच काली मिर्च जिसे मैंने दरदरा कूट के डाला है। और फिर हम इसमें डालेंगे 1/3 कप घी। यहाँ पे मैंने गाय का घी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आप चाहे तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं 1 बड़ा चम्मच, अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद है, पर मैं यहाँ पे इसे प्लेन ही बना रही हूँ। और काली मिर्च जो है मैंने दरदरी कूट के डाली है, आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चेक करेंगे कि जो घी है वो परफेक्ट है कि नहीं। और दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, कि आप कोशिश कीजिएगा कि घी को हम हल्का सा गर्म करके डालेंगे। तो हम सब इंग्रेडिएंट्स को हमने मिला लिया, अब हम चेक करेंगे कि घी परफेक्ट है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसकी सूखे आटे की जो है मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब घी परफेक्ट है। अब हम गर्म पानी की मदद से इसका एक टाइट सा आटा मथ लेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल 1 कप + 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है, जिसे हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। कई बार आटे के ऊपर भी पर डिपेंड होता है कि पानी कितना लगेगा, तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी कम या ज़्यादा लग सकता है। तो हम इसका टाइट सा आटा मथ लेंगे। फ्रेंड्स, आटे को टाइट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ढीला आटा लगाएंगे तो मठरिया को जब हम डीप फ्राई करेंगे तो मठरिया अच्छी नहीं बनेगी, बहुत ही ऑयली बनेगी। तो आप देख सकते हैं कितना टाइट आटा लगा है, जो कि बिल्कुल ही परफेक्ट है। अब हम इसे क्या करेंगे, ढक के सेट होने के लिए लगा देंगे 1/2 घंटे के लिए। तो 1/2 घंटे बाद में हम देखेंगे जो आटा है वो सॉफ्ट हो चुका है हल्का सा और बंद भी रहा है। पहले जो आटा बिखरा था वो बंद रहा है। तो मैंने उस आटे को 3 हिस्सों में बांट लिया है, क्योंकि हमें मथने में आसानी होगी। इतने सारे आटे को हम एक साथ मथने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैंने इसे 3 हिस्सों में बांट लिया। तो 1/3 हिस्सा मैं आपको बता रही हूँ मैं इसे कैसे मथ रही हूँ। तो जब जितना अच्छा मथेंगे उतनी बढ़िया मठरियाँ बनेंगी। तो आप देख सकते हैं कितना ईवन सा आटा एकदम सेट हो चुका है। अब हम इसके क्या करेंगे, इसके लोए बनाना शुरू करेंगे। तो मैं इसके जो है मीडियम साइज़ के लोए बना रही हूँ। जनरली मठरियाँ छोटी साइज़ की बनती है, साइज़ का वेरिएशन आप अपने पसंद के अनुसार कम या छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से लोए बना लिए और एक एक लोए को मैं फिर से मुट्ठी के बीच में रख के 2 से 3 सेकंड के लिए मथूंगी। तो अब हम एक लोहे को लेंगे और मैं आपको इसे बेलना बताती हूँ कि मैं इसे कैसे शेप दूंगी। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आटा लगा है, बिना किसी सूखे आटे की मदद से हम मठरियों को बेल रहे हैं। तो मैंने इसे बेल लिया है और मैं आपको इसकी थिकनेस बताती हूँ, मैंने इसे कितनी थिकनेस रखी है। आप चाहे तो इसे थोड़ी सी पतली भी रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक शार्प चाकू लेंगे और इसे हम लेयर्स में कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पूरा कट नहीं करना है, मतलब 2 से 4 mm हमें चारों तरीके से हमें छोड़ देना है, वरना ये पूरा ही कट जाएगा, शेप फॉर्म नहीं होगा रिबन का। और हम इसे कट करेंगे तो आप इसे पूरा, मतलब ये आर पार कट करिएगा, इतना डीप आपको कट करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा धीरे धीरे बता रही हूँ, पर जैसे आपका हाथ सेट हो जाएगा आप इसे फटाफट भी कर सकते हैं। तो ये कट लग चुके हैं, अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे रोल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये रिबन का शेप आया है और एक एक लेयर्स कैसे खिले हुए हैं। तो मैंने इसी तरीके से इसे रोल कर लिया है और अब हम इसे इसके आखिरी छोर को हम सील कर लेंगे ताकि ये खुले ना। मैं आपको बताती हूँ कितना बढ़िया रिबन की जैसी मठरी बन के तैयार हुई है। तो जब मैं ये बेल रही थी, मैंने तेल को गर्म होने के लिए लगा दिया था कढ़ाई में। हम चेक करेंगे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो हम एक टुकड़ा सूखा आटा डालेंगे, चेक करेंगे तो तेल इतना गर्म नहीं हुआ है, हमें खौलता हुआ गर्म तेल चाहिए। तो मैंने सारी मठरियों को बेल के रख लिया है। अब हम मठरियों को डालेंगे हाई फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं मठरियों को डालते ही तेल में से कैसे धुआं आ रहा है, हमें इतना ही गर्म तेल चाहिए, हमें ठंडे तेल में नहीं डालना है। तो मैं यहाँ पे पहले तो 8 मठरियों को डाल लूँगी और देखूँगी कि इसमें जगह है कि नहीं, क्योंकि मठरियाँ डालते ही फूलती है साइज़ में। तो अभी मुझे थोड़ी सी जगह दिख रही है तो मैं एक और मठरी को डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान रखने की है कि आटा भी परफेक्ट होना चाहिए और तेल भी गर्म होना चाहिए, और हमें हाई फ्लेम पे खौलते हुए तेल में हमें डालना है। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि अगर हम ठंडे तेल में डाल देंगे तो पूरा जो आटा है वो तेल को पी लेगा। तो हम 3 से 4 मिनट तक इसे कुछ नहीं करेंगे, हम इसे सिकने देंगे। तो 3 से 4 मिनट बाद में हम क्या करेंगे, हम मठरियों को पलट देंगे और फ्लेम को हम मीडियम साइज़ पे रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे रख देंगे।
जिससे कि क्या होगा, इसके जो कॉर्नर्स है वो परफेक्टली हमें सिकने चाहिए, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे सिकेंगे तो बीच के लेयर्स तो सिक जाएंगे पर कॉर्नर से कच्चा रह जाएगा। तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो हम इसी तरीके से हम पलट पलट के हम मछलियों को सेक लेंगे। तो ये मछलियाँ बहुत ही बढ़िया लगती है स्वाद में, आप इसे चाहे तो मसाले डाल के भी बना सकते हैं, और आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, और इसे आप आराम से एक अटैच कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं 10 से 15 दिनों के लिए। आप चाहे तो सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और ये बिना किसी मैदे का कॉर्नफ्लोर के बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये मछलियाँ जो है बहुत ही बढ़िया सीखेगी। आप इसे जितना मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे उतना ही अच्छा है। तो टोटल इन मछलियों को सीखने में मुझे 10 मिनट लगेंगे। 3 मिनट में इसे हाई फ्लेम पे सेकूंगी और फिर मैं इसे मीडियम करके 5 से 7 मिनट के लिए इसे तलूंगी। तो थोड़ा सा वो पेशेंस रखना है, लेकिन बहुत ही बढ़िया लगती है, इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा हमें। तो आप देख सकते हैं मछलियों का रंग जो है हल्का हल्का बदलने लगा है, और कितनी बढ़िया फुली है, और एक एक लेयर्स भी कितने खिल के आ रहे हैं और खुले भी नहीं है, बंद हवा है। तो इसलिए मैं आटा को परफेक्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे तो इसे देसी घी में भी डीप फ्राई कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे तेल पे किया है, आप चाहे तो देसी घी में भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने पलट पलट के मछलियों को तल लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जब हम मछलियाँ बादामी रंग की होगी हम उसे निकाल लेंगे, हमें इसे ज़्यादा भी नहीं करना है ब्राउन, क्योंकि जब हम मछलियों को निकाल लेंगे तो ये फिर भी सिकाई होती रहेगी इसे 15-20 मिनट तक। तो इस स्टेज पे हम मछलियों को निकाल लेंगे बादामी रंग होने तक, क्योंकि इसका कलर और भी डार्क होगा जब हम इसे निकालेंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर में आने के बाद भी इसकी गर्मी के कारण इसकी सिकाई होती रहती है। तो जब हम इसे निकाल लेंगे और हम इसके ऊपर गुड़केंगे हल्का सा चाट मसाला, ये ऑप्शनल स्टेप पे, आपको नहीं पसंद है तो आप इसे ओमिट कर सकते हैं। तो हम इसे मिला लेंगे और मैं आपको बताती हूँ जब ये ठंडी हो जाएगी तो कितनी बढ़िया क्रिस्प, खस्ता और साथ ही साथ सॉफ्ट भी रहेगी। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्प कचौड़ी और जैसी मछली बनके तैयार हुई है। तो आप भी इस मज़ेदार सी लाजवाब सी मछलियों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाइएगा, खिलाइएगा और मुझे बताइएगा रेसिपी कैसे लगे। पर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।